हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति स्पेशल बंगाल की पीठा रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। इसे बंगाल में पाटी साप्टा के नाम से जाना जाता है। इसे चावल के आटे से बीच में खोए की फिलिंग बनाकर बनाया जाता है। ये ट्रेडिशनल बंगाली पीठा रेसिपी है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे, तो फिर देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो यह बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर जितना फुल क्रीम दूध लिया है। अगर आपके पास गाय का दूध मिलता है या फ्रेश भैंस का दूध मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप रेडीमेड खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दूध में उबाल आ गया है। मुझे थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं इसे हाई फ्लेम पे ही बना रही हूँ, तो इसमें आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। थोड़ा सा भी अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो देखिए ये उफन के बाहर आने को बिल्कुल तैयार है। इसीलिए दूध को बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िए और कंटिन्यू हिलाते रहिए, और साथ ही साइड से आप इस तरह स्क्रेप करके उसे फिर से दूध में मिलाते रहिए। आप चाहे तो इसे लो फ्लेम में आराम से पका सकते हैं, लेकिन अगर हाई फ्लेम में बना रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना होगा। देखिए मैंने थोड़े देर के लिए इसे छोड़ दिया था तो कैसे ये नीचे से लगने लगा था। इसीलिए खोया बनाते टाइम आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसे आपको कंटिन्यू हिलाते रहना पड़ेगा। अगर एक बार दूध में जलने की स्मेल आ गई तो आप चाहे इसमें कितना भी फ्लेवर डाल दीजिए, दूध में से जलने की स्मेल नहीं जाती है, और फिर इससे आपका खोए का और पीठा का स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत का काम तो है, लेकिन क्या करें, त्योहारों का पकवान, और अगर आप उसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो मेहनत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 15 से 20 मिनट में देखिए दूध रेड्यूस हो गया है। इसे हम और थोड़ा सा रेड्यूस करते हैं। अब हम इसमें मिठास के लिए डाल देंगे 2 चम्मच जितना चीनी और साथ ही 2 चम्मच जितना गुड़। गुड़ यहाँ पे मैंने खजूर का गुड़ लिया है। खजूर का गुड़ देखने में इस तरह का होता है। सर्दियों में बंगाल में खजूर का गुड़ बहुत आसानी से मिल जाता है। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको खजूर का गुड़ नहीं मिलता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तब तो आपको खजूर का गुड़ ही डालना पड़ेगा। पीठा का मेन स्वाद जो है खजूर का गुड़ होता है। वैसे भी आजकल हर चीज़ हर जगह मिल जाता है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसे पाटाली गुड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि चीनी और गुड़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस समय आपको बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि इस समय जो खोया जो है नीचे कढ़ाई में लगने का डर रहता है, इसलिए फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो रखिए। फिलिंग अब बिल्कुल तैयार है। अब चलिए बैटर की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इस पर हम मिलाएंगे चावल की आटा। पीठा का रेसिपी जो होता है हमेशा चावल के आटे से ही बनता है, तो मैंने यहाँ पे 1 कप चावल का आटा ले लिया है। ये मैंने रेडीमेड आटा लिया है। 1 चम्मच मैदा, इससे जो है बाइंडिंग अच्छी होगी, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे पीसी चीनी लिया है। अब हम लेंगे इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कुटी हुई इलायची और थोड़ा सा नमक स्वाद को बैलेंस करने के लिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे ल्यूक वॉर्म या हल्का गुनगुना दूध से हम इसे मिक्स करेंगे, बैटर बनाएंगे। आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे ट्रेडिशनली दूध से ही बनाते हैं। तो अब हम इसे जितना दूध लगेगा थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बैटर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गया है, बैटर अच्छा से सेट हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब हम पीठा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। पैन को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। उसके बाद हम 1 करछी भर के हम इसमें बैटर डालेंगे और उसके बाद हम तवा को इस तरह से घुमाएंगे ताकि बैटर चारों तरफ फैल जाए। इसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे या जब तक ऊपर से ये बैटर बिल्कुल सूख ना जाए।
जैसे ही आपको लगे ऊपर से बैटर सूख गया है, हम इस पर थोड़ी सी फिलिंग डाल देते हैं। फिलिंग में आप खोए की जगह आप नारियल और गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खोए के साथ नारियल और गुड़ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्योर खोया लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप सारे पाटी सप्टा बना लीजिए। तो था ना ये कितना आसान सा रेसिपी। तो आप भी इस मकर संक्रांति को इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि त्यौहार का मज़ा तो खाने और खिलाने में ही है। रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि ये रेसिपी आपसे कैसे बनी, और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।